हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हो डीजे शक्ति। तो दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों ने कमेंट किए थे और बहुत से लोगों ने मुझे बोला, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आ रहे थे कि भैया कोई एक अच्छा मॉनिटर के लिए स्पीकर दिखाओ। तो भैया, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ 12 इंच का ये स्पीकर रहेगा, मॉनिटर के लिए बेस्ट है। और कौन से एम्पलीफायर पर इसको चलाना चाहिए ताकि क्वालिटी वाला हमें रिजल्ट मिले, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है हमारा ALS कंपनी का 12 इंच का स्पीकर। ALS यानी कि ऑडियो एंड लाइटिंग सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से है। 12 Pro 400 इसका मॉडल नंबर है। यहां पर कुछ हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। सेंसिटिविटी की बात करें तो 97 dB है। वॉइस कॉइल की बात करें तो 3 इंच है। वॉइस कॉइल के मटेरियल की बात करें तो दोस्तों, कॉपर वाइंडिंग से वॉइस कॉइल बनी हुई है। इम्पीडेंस की बात करें तो 8 ohm है। साइज यहां पर लिखी है 12 इंच। RMS पावर इसका 400 वॉट है दोस्तों, और प्रोग्राम पावर इसका 800 वॉट मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो 50 हर्ट्ज से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। और दोस्तों, हाई क्वालिटी का मैग्नेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैग्नेट के डायमेंशन की बात करें तो 190 बाय 20 mm का मैग्नेट है। यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए हमें होल मिल जाता है, जिसमें हमें एक जाली लगाई हुई मिलती है ताकि कोई भी डस्ट वगैरह अंदर, कचरा वगैरह ना जाए। चलिए दोस्तों, साइड में से अगर देखें तो यहाँ पर हमें टर्मिनल सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ हमें दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों लीड वायर है। लीड वायर पर भी प्रॉपर यहाँ पर काम किया गया है, स्लीव लगाई है, आप देख सकते हो। अच्छे से पूरा कंपनी ने एक से एक चीज का ध्यान रख के पूरा स्पीकर बनाया है। चेसिस की बात करें तो एल्यूमिनियम डाई कास्ट से बनी है और हेवी चेसिस हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें साइड वेंटिलेशन भी देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। कोयल हमें यहाँ से साफ दिख रही है, तो सभी साइड हमें ऐसे एयर वेंटिलेशन देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एकदम हार्ड भी नहीं, एकदम सॉफ्ट भी नहीं, कुछ इस तरह का स्पाइडर हमें देखने को मिल जाता है और एकदम बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। अभी इसका फ्रंट साइड देखें तो ये है दोस्तों स्पीकर का फ्रंट साइड। यहाँ पर सस्पेंशन देखें तो हमें क्लॉथ मटेरियल में देखने को मिलता है। 3 लेयर का हमें सस्पेंशन दिया गया है। पेपर कोन दिया गया है अच्छी क्वालिटी के साथ। यहाँ पर डस्ट कैप देख सकते हैं आप, अच्छे से पूरा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगाया है दोस्तों। और भैया, कंपनी का स्पीकर होता है उसमें कुछ बोलने की बात होती ही नहीं, पूरा प्रीमियम तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हो पूरा इसका लुक कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। चलिए अभी बात करते हैं कि ये कौन से एम्पलीफायर में बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों, ये था ALS कंपनी का 12 Pro 400 स्पीकर। आपको सारी डिटेल्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, ऐसे 4 मॉनिटर आप बना सकते हो 12 डबल के, जिसमें 400 प्लस 400 वॉट के स्पीकर और 80 वॉट की एक HF लगा सकते हो। मान लीजिए हमारा एक ये पूरा मॉनिटर है, उसमें ऊपर का स्पीकर 400 वॉट का, नीचे का स्पीकर भी 400 वॉट का और ऊपर की साइड एक 80 वॉट की HF। तो ऐसे 4 मॉनिटर आप बनाइए। ये स्पीकर जो है 12 डबल कच्ची कैबिनेट जो आते हैं गुजरात में, बहुत सारे यार चलते हैं, तो उसमें भी लगा सकते हो। या फिर JBL मॉडल में जो 12 डबल का कैबिनेट आता है उसमें भी आप डाल सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें इसमें एम्पलीफायर कौन सा लगाना है, तो दोस्तों इसमें जो एम्पलीफायर लगाएंगे वो ALS कंपनी का ही लगाएंगे, ताकि अच्छा हमें एक रिजल्ट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले, क्वालिटी वाला। तो ALS की तरफ से ही है S6004 एम्पलीफायर, डिस्प्ले पर आप देख सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। तो ये एम्पलीफायर जो है पर चैनल 4 ohms पर 1200 वॉट निकालता है। तो हमारा जो पूरा एक मॉनिटर है वो 400 प्लस 400 800 और 80 वॉट की HF, तो 880 वॉट का बनता है। तो एक मॉनिटर आपको एक चैनल में लगाना है, तो 4 चैनल का एम्पलीफायर है, चारों मॉनिटर आपके चले जाएंगे एक ही एम्पलीफायर में और चारों मॉनिटर के अलग अलग वॉल्यूम्स हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये काफी अच्छी बात होती है, मतलब 4 मॉनिटर आपने लगाए हैं, सिर्फ एक मॉनिटर डाउन करना है तो 4 चैनल का एम्पलीफायर रहेगा, तो आप सिर्फ एक मॉनिटर को भी अप डाउन कर सकते हो। बाकी दोस्तों, ALS का ही पूरा ये सेटअप बन जाएगा और इसका जो टोन निकलेगा वो एकदम यार क्वालिटी वाला, मिठास वाला टोन आपको सुनने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, हमने पर्सनली इसका इस्तेमाल किया है
वही हमारा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको इस तरह का सेटअप बनाना है, 4x12 के 400+400 वाट के मॉनिटर और एक ऐसा एम्पलीफायर, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से हमारी शॉप है और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी डीजे शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। आप रखना अपना ख्याल। टाटा बाय बाय। थैंक यू।